नमस्ते। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शोभित। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूं इस ठंड में आप अच्छे हो, खासे होंगे और ताजे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ एक्सप्लोर करने नहीं आया हूं और ना ही कुछ आपको दिखाने आया। तो आज इस वीडियो में सिर्फ आपसे बात करने आया हूं। तो 2024 में कैसे घूमें बिना पैसों में? बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कैसे करते हो। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊंगा कि मतलब बिना पैसों कैसे घूमें और 12 ज्योतिर्लिंग कैसे करें और YouTube किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले बोलूंगा, वीडियो को जो नए है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन। तो लाइक एंड सपोर्ट शेयर करो दोस्तों। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रैवलर बिना पैसों में। तो आप ये बताओ पहले कि आप टूरिस्ट बनना चाहते हैं या ट्रैवलर। टूरिस्ट का मतलब ये होता है कि लग्जरी चीज़ें आपको हर एक चीज़ मिल जाए अवेलेबल, और आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे बुक कर लो और गाइड भी आपको सारी चीज़ें मतलब मिल जाए पैसे से। टूरिस्ट का मतलब ये होता है। अगर आप ट्रैवलर बनना चाहते हो, ट्रैवलर का मतलब ये होता है कि हम घर से निकल तो रहे हैं पर हमें रात को कहाँ रुकना है नहीं पता, क्योंकि कुछ भी हमारा डिसाइड नहीं होता और ना ही हमें पता होता है, और हम ये भी हमें नहीं पता होता कि हम खाना कैसे खाएंगे। सारा कुछ हमें खुद से करना होता है। आप चाहे बैलगाड़ी से जाओ या लिफ्ट से जाओ, मतलब ये होता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाए किसी ना किसी तरीके से, हमें कोई पहुँचा दे, ये होता है। तो भाई मैं सबसे पहले बोलूँगा कि अगर आप टूरिस्ट बन रहे हो तो फिर आप यूट्यूब ना ही करो तो बेहतर है। हाँ, कर सकते हो वो लोग। यूट्यूब करने के लिए आपको एक पैशन चाहिए होगा, आपके अंदर पैशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हाँ आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेन आत्मविश्वास। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो सब कुछ आप कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि जिसे आप नहीं कर सकते। मेन होता है कि आत्मविश्वास, आपके पास अंदर आत्मविश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत यात्रा कैसे करें। चलो फिर, तो भारत यात्रा करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, शॉर्ट शब्दों में बताता हूँ। मेन ये होता है हमारा एक स्लीपिंग बैग, जो कि ठंड में काम आता है क्योंकि वेदर चेंज होते रहते हैं तो आपका पता नहीं होता। मेन स्लीपिंग बैग रख लीजिए, और कैंपिंग टेंट होता है 2500 का होता है, जो कि ऑनलाइन मिल जाता है, आप आसानी से आप ले सकते हैं। और इसके बाद आपको, अगर आप कुकिंग के इंटरेस्ट हैं, कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या खुद से बनाए कुछ खाना चाहते हैं, तो आप कुकिंग का भी सामान ले सकते हो। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी से भी आप हेल्प मांग लो, आपको मोस्टली मिल जाता खाने के लिए। तो ये थी ट्रैवलर की लाइफ। और हाँ, यूट्यूब में बता दूँ किसको करना चाहिए क्यों किसको नहीं करना चाहिए। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि भाई यूट्यूब वही करें जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है। भाई अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको बाहर निकल के आना है, तो आपके अंदर पक्का जुनूनियत होगी और पागलपंथी होगी मेरे जैसे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मेरा क्या आगे होगा मुझे नहीं पता, पर मैं करता रहूँगा। तो YouTube में क्या होता है कि हमें डेली एक वीडियो चाहिए होती, चाहे जैसे भी हो, हमें एक वीडियो डालनी है तो डालनी है। और 12 ज्योतिर्लिंग का क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, आप स्लीपिंग बैग रख लो और एक कैंपिंग टेंट ले लो बस। और इसके बाद एक लिफ्ट बोर्ड बनवा लो, भारत यात्रा बोल रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग और प्लीज़ हेल्प मी या प्लीज़ लिफ्ट, कुछ भी आप लिखवा लो और निकल पड़ो, आपके 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। हाँ, जेब में से 50 रुपये रख लेना एमरजेंसी फूड के लिए, वो आपको बताने नहीं है किसी को, वो अपने पास आपको खुद के लिए रखना है। बाकी आप निकल जाओ, लोग आपको हेल्प करेंगे क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आपको मोस्टली लोग मिलते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। मेन बात ये होती है कि भारत यात्रा बिना पैसों में कैसे करें। तो भारत यात्रा तभी वही बंदा कर सकता है जो खाते पीता है। तो खाते पीने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ आप कर सकते हो, तो बस नशा नहीं करना है, नशा आपको छोड़ना है और बिना पैसे घूमना है। तो खाने पीने क्या है कि आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट जाते हो वहाँ पे आपको खाने की समस्या होती है, और इसके बाद आप साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है खाने की, वेजिटेरियन वहाँ पे खाना नहीं मिलता है, हमें बहुत जगह ढूंढना पड़ता है तब जाके मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कहीं भी आप कुछ भी खा सकते हो, आपको अंडा भी मिल जाता है, मच्छी मिल जाती है, मुर्गा मिल जाता है, ना ADC आप कुछ भी मतलब ले सकते हो जो आप खाते हो, सो वो कर सकता है। बाकी रही बात आपको घूमने के लिए आप लिफ्ट लो और अपने अंदर पैसेंस रखो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही जगह पर खड़े होते हैं हमको लिफ्ट नहीं मिलती, तो उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सही जगह पर खड़े होते हैं तो वहाँ पर 2-4 लोग भी होते हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना होगा। और दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखना है और हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहे जो हो जाए, और हाँ अपने ऊपर विश्वास
करके काम करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है। तो मेन आपका होता आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। तो इस पर हमें काम करना है, खुद पर काम करेंगे तभी हम लोगों के सामने आ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करते। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सपोर्ट करो, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।